छापने की मशीन बन गए हैं जो छात्रों और अभिभावकों की असुरक्षाओं पर गिद्ध दृष्टि लगाए हुए हैं। टू कोचिंग सेंटर सेम बच्चे का क्रेडिट ले तो हम जनता किस पे भरोसा करे? हम सब बच्चों की मौत सह लेंगे पर इंडियन एजुकेशन सिस्टम का कड़वा सच नहीं। साथियों याद रखिए, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। कोटा में रहना एक जेल के समान है, यहाँ हमेशा दबाव बना रहता है और उम्मीदें बहुत ऊंची हैं। ये मेरे शब्द नहीं, ये कोटा के एक छात्र के शब्द हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। किसी महान व्यक्ति का कहना था कि युवा के विकास की परिकल्पना उस वट वृक्ष के समान है जिसकी जड़ें हमारी पुरातन संस्कृति हो, जिसका तना हमारा लोकतांत्रिक मूल्य हो, जिसकी शाखाएं हो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, युवा कौशल जिसकी पत्तियां हो, जिसे सींचे हम अपने परिश्रम से और फलस्वरूप हमें मिले विकसित विश्वगुरु भारत। As quoted by Mahatma Gandhi, live as if you were to die tomorrow and learn as if you were to live forever. These words reminds us that education is not merely about acquiring knowledge, but continuous growth throughout our lives. Do you know what Lord Macaulay once said in British Parliament? He said that it is nearly impossible to rule India, but if they succeeded in breaking our backbone, our education system, then they'll succeed in breaking our entire nation. And that's what they did, and that's what today's coaching institutions are doing. They are prioritizing rote learning over true understanding, thus reducing education to a mere race for marks. आज के कोचिंग संस्थानों ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को हर नागरिक के मौलिक अधिकार से एक विशेष अधिकार बना दिया है। चिंतित माता पिता की नजरों में ये कोचिंग संस्थान पैसा छापने की मशीन बन गए हैं जो छात्रों और अभिभावकों की असुरक्षाओं पर गिद्ध दृष्टि लगाए हुए हैं। आपको यह जान के हैरानी होगी कि हमारे देश के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में 120 से भी ज्यादा छात्रों के लिए केवल एक अध्यापक नियुक्त होता है। क्या ये पर्याप्त है? साथियों याद रखिए, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। हमें ज़रूरत है मजबूत नियम बनाने की ताकि यह कोचिंग संस्थान पारदर्शी रूप से संचालित हो और छात्रों की भलाई को प्राथमिकता दें। हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम ऐसी शिक्षा प्रणाली को कायम रखेंगे जो गुलामी के कालखंड में साजिशन रची गई थी, या फिर हम एक नए रास्ते पर चलेंगे जो विचारों की विविधता का जश्न मनाता हो, हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से सशक्त बनाता हो। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर ख्याति सिंह, कारगिल दिवस का सभी को नमन। With utter grief, I state that in India, the grading system is now like the new division system. 95% lie to superior, usse niche lie to inferior. Starting with a few cases, students in Panipat were promised government jobs provided they joined the computer science course provided by a computer course coaching center. Par end mein na unhe naukri mili, na course. This is one of the reasons why an RTI, right to information, should be implemented with fact-checking proofs regarding success rates and educators' qualifications. Now, baat karte hai coaching centers ki, to it does not just particularly refer to education. Isme sports bhi aata hai, because sports ke bhi coaching classes hoti hai. To isi ka example leke, 8 July 2024 mein, Kerala mein, Kerala Cricket Association में there was a male teacher who assaulted female students. यहाँ भी सुरक्षा नहीं मिली, इधर भी असहाय होने की आवाज़ गूंजी। As usual, भारत में लॉ की तबाही हो चुकी है।
as per the new recent regulations of coaching centers, no child under the age of 16 can attend any coaching classes. पर यहाँ तो IIT की प्रिपरेशन 6th ग्रेड से होती है. सेकेंडली, फॉल्स एडवर्टीजमेंट कैन नॉट बी पब्लिश्ड. तो जब टू कोचिंग सेंटर्स सेम बच्चे का क्रेडिट ले तो हम जनता किस पे भरोसा करें? सेकेंडली, तीन अखबार में तीन डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में एक ही चेहरा कैसे हो सकता है? ऑल कोचिंग सेंटर्स हैव मैनिपुलेटेड माइंड्स इनटू थिंकिंग कि 10 साल मेहनत करो और 40 साल मजे. पर कुछ लोगों के लिए वो 40 साल आते नहीं है. व्हाई? बिकॉज द इंडियन एजुकेशन सिस्टम विशियसली मर्डर्स दो स्टूडेंट्स. सुसाइड रेट काउंट करे तो शायद वो नंबर कोचिंग सेंटर के फीस से मैच करे. बच्चों के भीतर ही कॉम्पिटिशन की आग जला दी है. पर सवाल ये नहीं है कि आग किसने जलाई है. सवाल ये है कि एजुकेशन सिस्टम के हाथ में तील किसने दी है. हम सब बच्चों की मौत सह लेंगे पर इंडियन एजुकेशन सिस्टम का कड़वा सच नहीं. हम सब इंडियन एजुकेशन सिस्टम के सामने बच्चों को 3-4 घंटे पढ़ा सकते हैं बट कैन नॉट इवन डिवोट वन सिंगल मिनट टू देयर मेंटल हेल्थ. हम सब NTA का असली चेहरा खुशी खुशी सह लेंगे और घर वालों की खुशियां एक पल में उड़ा देंगे. ऑनरेबल मेंबर, काइंडली कंक्लूड योर स्पीच. व्हिच इज व्हाई देयर शुड बी डिफरेंट अमेंडमेंट्स स्टार्टिंग विद साइकोलॉजिकल टेस्ट दैट वुड बी कंडक्टेड इवन फॉर द वंस हु कमिट दीज स्कैम्स टू डिटेक्ट अर्ली केसेस ऑफ डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी. क्लासेस शुड बी कन्फाइंड टू 1 hour 30 minutes प्लस ब्रेक्स शुड बी गिवन व्हिच वुड इंप्लीमेंट मेंटल इन्फ्रिंजमेंट फॉर स्टूडेंट्स. रिफंड डिटेल्स शुड बी एक्सप्लेन प्रॉपरली. एंड एक छोटी सी एडवाइस टू ऑल द न्यूज़पेपर्स. Remember, the time to speak is over. Kindly take your seat. कोटा में रहना एक जेल के समान है. यहाँ हमेशा दबाव बना रहता है और उम्मीदें बहुत ऊंची हैं. ये मेरे शब्द नहीं, ये कोटा के एक छात्र के शब्द हैं. महोदय, एक मामूली सवाल से शुरू करते हैं. कोचिंग संस्थान इतने जरूरी हो क्यों गए हैं? इसका कारण हमारी शिक्षा प्रणाली में है. उदाहरण के लिए JEE परीक्षा को लेते हैं. कहा जाता है कि JEE NCERT पाठ्यक्रम पर आधारित है, लेकिन जाहिर सी बात है कि NCERT काफी नहीं. पिछले 2023 में पिछले साल 14 लाख से ज़्यादा छात्रों ने JEE के लिए प्रयास किया, जबकि IITs में कुछ 16,000 सीटें ही हैं. अब इस श्रेणी का कंपटीशन होगा तो कोई छात्र अतिरिक्त कोचिंग की तलाश क्यों नहीं करेगा? एक सवाल हमें ये भी पूछना चाहिए कि ये परीक्षाएं पूरी तरह स्कूल के पाठ्यक्रम पर आधारित क्यों नहीं है. पर हमें ये सवाल भी पूछना चाहिए कि अगर ये परीक्षाएं पूरी तरह स्कूल के पाठ्यक्रम पर आधारित भी हुई तो फिर वो कॉलेज के लिए कैसे तैयारी करेंगे? स्थिति तो ऐसी है कि नकली स्कूल सक उभर आए हैं. सभापति महोदय, कोचिंग संस्थानों की मांग हमारे सिस्टम ने ही बनाई है और इन संस्थानों ने शिक्षा को एक व्यापार सा बना दिया है. वर्तमान में कोचिंग संस्थानों के लिए दिशा निर्देश हैं जो कई महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं. इसीलिए इन संस्थानों को किसी भी दुर्घटना के लिए जिम्मेदार ठहराना नामुमकिन सा हो जाता है. दुख की बात है कि आज इस देश का युवा दबाव में आके आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है इस भ्रम में कि इस परीक्षा के आगे उनका जीवन ही नहीं, कि अगर वो ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए तो उनके जीवन का कोई महत्व ही नहीं. सर, दुख की बात यह है कि हमारे लिए इन छात्रों का जीवन बस डेटा बन के रह गया है और डेटा के अनुसार 2020 में 10,000 से अधिक छात्रों ने आत्महत्या की. लेकिन वर्तमान में कोटा जैसे शहरों में बच्चों के कमरे से पंखे उतारना एक बेहतर सुझाव माना जा रहा है. गुणवत्तापूर्ण कोचिंग भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है. कोचिंग संस्थानों में बड़ी आम बात है कि आपके मार्क्स के अनुसार आपकी क्लासेस बढ़ जाएंगी और आपके अध्यापक भी बदल जाएंगे, जबकि सब छात्रों ने फीस तो एक ही समान दी है. अंत में शिक्षा प्रणाली और सरकार की निष्क्रियता को सुधारने की जरूरत है, साथ ही साथ समाज की सोच भी बदलनी पड़ेगी. महोदय, आप मैं हम सभी तो समाज बनाते हैं, तो सबसे पहला बदलाव हमें ही लाना होगा, एक मानसिक बदलाव. थैंक यू सो मच ऑनरेबल स्पीकर मैडम.